पर 12 देखा गया। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी कोई बिंदु है तो हमें यहाँ साबित करना है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ए बी सी। इस पर बी सी पर एक भुज डी बिंदु स्थित है, मैं ए डी को मिला देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में भुजा बी सी पर डी एक बिंदु है, डी एक बिंदु। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 2AD से बड़ा होगा। चलिए प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी प्लस में बी डी ग्रेटर देन ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अच्छा त्रिभुज ए सी डी में, चलो तो इसको समीकरण एक मान लो, ए सी डी में मैं यहां लिख सकता हूं कि आपका ये सी ए और प्लस में सी डी, या सी डी प्लस सी ए सीधा लिख देता हूं ताकि ठीक रहेगा। सी डी प्लस में सी ए इज ग्रेटर देन ए डी, देख लो सी डी प्लस में सी ए इज ग्रेटर देन ए डी हो जाएगा, ये भी उसी कारण से हुआ। दोनों को जोड़ लेते हैं, समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं, ए बी प्लस में बी डी प्लस में सी डी प्लस में सी ए इज ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी हो जाएगा। ए बी, अच्छा बी डी और सी डी, बी डी और सी डी मिलके आपका बी सी ही होगा ना, तो ये बी सी हो गया, और प्लस में सी ए इज ग्रेटर देन ए डी, ए डी क्या हो जाएगा सी ए डी। देखो तो कितना सिंपल था, प्रमाणित हो गया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर